और गिरिराज सिंह भूल गए हैं कि आज तक भाजपा बिहार में अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाई। गिरिराज सिंह जी को कोई मतलब तो है नहीं काम से, 10 साल मंत्री रहे, कुछ उपलब्धि होती तो उसको लेकर के यात्रा करते। गिरिराज सिंह जी कपड़ा मंत्री है ना, टेक्सटाइल मंत्री है, और अभी टेक्सटाइल पार्क कई जगह जो है, 7 जगह जो है दिया गया लगभग अलग अलग प्रदेशों का। गिरिराज सिंह जी मंत्री है यहाँ के, बिहार बिहार की हम लोगों की पहले से मांग है कि यहाँ भी टेक्सटाइल पार्क होना चाहिए, क्यों नहीं दिए बिहार को, बताए बिहार की जनता को। गिरिराज सिंह जी 10 साल से मंत्री है ना केंद्र में, बिहार के लोग तो ये भी नहीं जानते उनका मंत्रालय कौन सा है, ये हालत है। गिरिराज सिंह जी को कोई मतलब तो है नहीं काम से, 10 साल मंत्री रहे, कुछ उपलब्धि होती तो उसको लेकर के यात्रा करते, जागे हुए मतलब सोया हुआ कौन है जिनको जगाने चले, तो जा रहे हैं जनता के बीच तो जनता ही उनको जगाएगी। बेबुनियाद बातों के लिए कोई जगह ही नहीं है, ये लोग केवल हिंसा पैदा करना चाहते हैं, नफरत पैदा करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, उसके आधार पे अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। गिरिराज सिंह जी कपड़ा मंत्री है ना, टेक्सटाइल मंत्री है, और अभी टेक्सटाइल पार्क कई जगह जो है, 7 जगह जो है दिया गया लगभग अलग अलग प्रदेशों का। गिरिराज सिंह जी मंत्री है यहाँ के, बिहार बिहार की हम लोगों की पहले से मांग है कि यहाँ भी टेक्सटाइल पार्क होना चाहिए, क्यों नहीं दिए बिहार को, बताए बिहार की जनता को। इससे पहले वो क्या थे, ग्रामीण विकास मंत्रालय उनके पास था जिसमें रूरल रोड्स वगैरह आता था, और हमारे पास डिपार्टमेंट था, अभी 17 महीने थे तो ग्रामीण कार्य विभाग मेरे पास था, हमको चिट्ठी लिख करके वो भेजते थे कि मेरा रोड बनवा दो। अब भारत सरकार का मंत्री बिहार सरकार के मंत्री को चिट्ठी लिख करके भेज रहा है कि उनका रोड बना दे, तो समझ सकते कितना उनका चलता है, कितनी उनकी समझ है, कितने उनमें प्रतिभा है कि वो काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस तरह की नफरत की राजनीति करने वाले लोग जो है ज्यादा टिकते नहीं है, जनता इनको जवाब देगी। और गिरिराज सिंह भूल गए हैं कि आज तक भाजपा बिहार में अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाई। बिहार जो है अमन चाहती है, शांति चाहती है, विकास चाहती है, तरक्की चाहती है, नफरत अहिंसा के लिए बिहार में किसी के लिए जगह नहीं है, ये बात अभी तक उनको नहीं समझ में आया। और अगर वो प्रयास करेंगे दंगा कराने का, भड़काने का, तो आप समझ जाइए राष्ट्रीय जनता दल और हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है, उनको सबक जरूर सिखाने का काम करेंगे। भाजपा के प्रत्याशी दिलीप जसवाल का सवाल एक उम्र हो गई है, उसका प्रभाव है तो हम समझ सकते हैं, इस पे टिप्पणी टिप्पणी हम नहीं करना चाहते, लेकिन वहाँ साजिश चल रही है। जो लोग मुख्यमंत्री के आसपास घिरे हुए जो लोग हैं वो लोग साजिश कर रहे हैं, एक बात समझनी चाहिए। और ये भाजपा के लोग ये हम लोगों को बताएंगे, सम्राट चौधरी का बयान नहीं पता क्या बोले थे किड्डी को लेके, किड्डी को लेके सम्राट चौधरी ने क्या बयान दिया था कि लालू जी ने बेच दिया टिकट के बदले जो है अपनी बेटी का किड्डी ली, इससे शर्मनाक बयान हो सकता है। तो देखिए हम इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी हम लोग करना नहीं चाहते, और जिन जिन प्रदेश अध्यक्ष अभी नए नए बने हैं, जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो हमारे पास कितना ही आते थे, इनका मेडिकल कॉलेज वगैरह है ना, उसको लेकर के कितना आते थे जाके पूछिएगा।
झारखंड विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं, आपका पूर्ण कर्तव्य जो, क्या तैयारी है राजनीति?